हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूनिट 9 प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की नेक्स्ट क्लास में। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का ये लास्ट सब सेक्शन है, लास्ट लेक्चर नहीं है, लास्ट सब सेक्शन है, जिसमें हम स्टेटिस्टिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। पिछले 2 लेक्चर हमने स्टेटिस्टिक्स के कर लिए हैं, यानी सांख्यिकी। पूरी यूनिट 9 को हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है इन फ्री सेशन में, जिनके फ्री लेक्चर की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर ही मिल जाएगी और इनके फ्री पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल ज्योग्राफी विद अंकित पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे ज्योग्राफी विद अंकित तो आपको ये हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर पाएंगे। जल्दी से सभी क्लास में आ जाइए ताकि हम क्लास को जल्द से जल्द शुरू करें और फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। क्या आप सभी तक ऑडियो वीडियो मेरी क्लियर आ रही है, सबसे पहले ये बताइए, उसके बाद हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। फटाफट से, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बिना देरी किए सेशन को शेयर कीजिए और ज्वाइन कीजिए और मुझे बताते चलिए कि ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं। कल है देखिए 26 जनवरी, तो आप सभी के लिए रिपब्लिक डे ऑफर है। रिपब्लिक डे ऑफर जो हम रामबाण बैच शुरू कर रहे हैं, उसकी फीस मैंने सभी को कैलकुलेट करके बताई थी कि ये 11,000 इसकी फीस है। एक साल का पूरा बैच है और इसमें आपको प्रीवियस रिकॉर्डेड बैच का भी एक्सेस मिल रहा है और लाइव सेशन है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों का रिकॉर्डेड एक्सेस भी है और लाइव बैच भी इसके हैं, पूरे एक साल तक का बैच है। लेकिन रिपब्लिक डे ऑफर के लिए इसमें आपको 50% से भी ज़्यादा का डिस्काउंट दिया जा रहा है और एक्चुअल में इसको आपको रिपब्लिक डे के ऑफर पर कितना आपको इसकी फीस पेमेंट करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको रामबाण बैच की जो डिटेल्स वाली वीडियो है उसको ज़रूर देखना है। ये जो ऑफर है ये आपको मैं बता दूं 31 जनवरी तक है, इसके बाद इसकी फीस बढ़ जाएगी। तो इससे अच्छा है कि आप बिना देरी किए इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। इसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो देख लीजिए, फिर बाद में आप मुझे मैसेज करेंगे कि सर तब तो फीस बढ़ गई, हमें पता नहीं था, तो आप उसी फीस पे दे दीजिए। ठीक है, तो इसलिए अच्छा है कि अभी इस ऑफर का लाभ उठाइए, 50% से भी ज़्यादा का डिस्काउंट है इसमें। ठीक, सभी डिटेल्स यहाँ पर है, मैंने पूरा कैलकुलेट करके बताया है कि किस तरीके से इसकी फीस 11,000 है। लेकिन 11,000 नहीं, इस ऑफर का आप लाभ उठाइए पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए। जिनका टारगेट जून 2023 है तो वो ब्रह्मास्त्र बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी डिटेल्स भी आपको दी गई हैं। और नहीं किसी के डिटेल किसी को डिटेल मालूम है या कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं समझ में आ रही है, तो आप यहाँ पर व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं 7983188 39 पर। ठीक, तो इसे आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें ये 24th लेक्चर है आज हमारा यूनिट 9 का, जिसे आप देखिए और इसके फ्री पीडीएफ नोट्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कीजिए। सभी रिकॉर्डेड क्लास देखता हूँ, मोस्ट हेल्पफुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा जान के। इसके अलावा बढ़ते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। पिछली क्लास में हमने समझा था कि स्टैटिस्टिकल मेथड्स क्या होते हैं, प्राइमरी डाटा क्या है, सेकेंडरी डाटा क्या है, पॉपुलेशन सैंपल, सैंपल के अलग अलग प्रकार, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में कौन कौन से हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ये सभी हम कवर कर चुके हैं। फिर स्टैटिस्टिक्स सीरीज भी हमने देखा था, कितने प्रकार की सीरीज हैं, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हम समझ चुके हैं। अब हमारी जो चर्चा होगी स्टैटिस्टिकल मेथड्स के एनालिसिस से शुरू होगी। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि हमारे पास जो भी डाटा होता है स्टैटिस्टिक्स में, हम कहते हैं उसे एक्स की माना ये सीरीज है। वो सीरीज इंडिविजुअल फॉर्म में भी हो सकती है। अभी इंडिविजुअल डिस्क्रीट कंटिन्यूस सीरीज क्या है ये ऑलरेडी आपको बता दिया गया है। इंडिविजुअल सीरीज मतलब जैसे 2, 4, 6 इस तरीके के इंडिविजुअल नंबर हैं। डिस्क्रीट का मतलब होता है कि वो डेसिमल में, पॉइंट्स में है, 2.4, 5.6 इस तरीके से। कंटिन्यूस का मतलब क्लास इंटरवल, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 इस तरीके से। तो हमारे पास जो भी स्टैटिस्टिकल सीरीज है, जो भी एक्स की सीरीज है, उसमें अगर हमें स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करना है, उसे एनालिसिस करना है, कंपेयर करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो हमें स्टैटिस्टिक्स के इन 4 ब्रॉड मेथड्स का इस्तेमाल करना होता है।
मैंने कहा चार ब्रॉड मेथड्स का, यानी कि इनके अंदर कई सारे तरीके होते हैं। तो सबसे पहला तरीका है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसे हम कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप आज हम शुरू करने वाले हैं। समझ लीजिए पहले इसका मतलब क्या है। कोई भी हमारे पास एक्स की सीरीज़ है, मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरीके से है ना। तो हम इसमें कुछ भी एप्लीकेशन, कुछ भी मेथड अप्लाई करने से पहले, जैसे आपने जो भी नाम सुना हो, रिग्रेशन, कोरिलेशन, डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जितने भी आपने नाम सुने हैं है ना, तो उन सभी नामों को, मतलब जो भी मेथड आप अप्लाई कर रहे हैं, उन सबसे पहले हमें इसका एवरेज निकालना होता है, यानी कि औसत। क्या निकालना होता है? औसत। और औसत निकालने का ही तरीका होता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मतलब इस पूरे सीरीज में जो एक सेंट्रल टर्म हो सकता है या सेंट्रल नंबर हो सकता है, वो क्या है। इसके लिए हम मीन, मीडियन और मोड, ये तीन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी किन किन तरीकों से निकाली जा सकती है? मीन, मीडियन और मोड। चाहे आप मीन निकालिए या मीडियन या मोड, माध्यमादिका बहुलक, ये तीनों तरीके एवरेज निकालने के ही होते हैं। तरीका बस अलग अलग है, लेकिन है एक ही चीज़ कि हमें एवरेज या औसत निकालना है। और औसत आप समझते हैं साधारण भाषा में कि पूरी सीरीज का एक केंद्र बिंदु हमें निकालना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कई हाइट के लोग हैं, एक पूरी क्लास है, क्लास में बहुत कम अंक हैं किसी बच्चे के, मान लीजिए 100 में से 33 हैं, केवल पासिंग मार्क्स हैं, और एक है जिसके 100 में से 80-90 हैं। तो आप क्या कहेंगे? बाकी सबके इनके बीच में ही हैं, किसी के 40, किसी के 50, किसी के 60, 65, 70, 75, इस तरीके से। तो अब आप क्या कहेंगे कि इस क्लास का एवरेज कितना है? तो हमें कोई एक सेंट्रल पॉइंट बताना होगा, एक नंबर बताना होगा कि औसतन लगभग इस पर्टिकुलर क्लास के 50 मार्क्स तो हैं ही। औसतन जब हम कहते हैं या एवरेज, तो इसका मतलब ये नहीं कि सबके 50 ही होंगे, कुछ के 50 से कम भी होंगे और कुछ 50 के ज़्यादा भी होंगे। तो यही एवरेज निकालने का तरीका होता है मेन, मीडियन, मोड। यही चीज़ें अब हमें सीखनी है। ठीक है, ओशनिक डिपॉजिट बिल्कुल पूछा जाएगा। ओशनिक डिपॉजिट आप नहीं छोड़ सकते। रेडुलेरियन डाइटम, कैल्केरिया, सिलिकस, ये सब पूछे जाएंगे। बोल्डर कबूल पेबल्स, ये सब आपसे पूछा जाएगा, तो उसे ज़रूर प्रिपेयर करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है। जब हम किसी भी सीरीज़ का एवरेज निकाल लेते हैं, तब हम उस पर डिस्पर्शन का मेथड यानी अपकिरण की माप अप्लाई करेंगे, फिर हम उसका स्क्यूनेस यानी कि विषमता की माप अप्लाई करेंगे, तब जाके उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कोर्टेसिस या पृथुशीर्ष की माप होगा। तो पहले तो हमें एवरेज निकालना ही सीखना है। ठीक है, और यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कैलकुलेशन वाले आते हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे, तो स्टैटिस्टिक्स में सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन के क्वेश्चन यहीं से आते हैं, मेन और मोड से। मीडियन से तो ऐसा अभी तक सवाल नहीं पूछा है, मेन और मोड से ज़्यादा सवाल पूछते हैं, माध्य और बहुलक से। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमें क्या करना होता है, यानी कि मेन, मीडियन, मोड को समझना है। एक एक करके इन टॉपिक्स को समझते चलते हैं। अब देखिए, इसी को यहीं पर समझाया गया है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है कि पूरा जो स्टेटिस्टिकल सीरीज है, उस सबको जोड़कर और जितने नंबर हैं उसको डिवाइड कर देना, यानी कि हम एवरेज निकाल रहे हैं, औसत निकाल रहे हैं। ये वो नंबर होगा, सेंट्रल नंबर, जो पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट करेगा। करेक्ट, जब हम किसी क्लास का एवरेज नंबर बताते हैं, जब हम बहुत सारे लोगों की हाइट में से एक हाइट को बताते हैं, एक सेंट्रल पॉइंट को, या फिर पूरे महीनों में से, पूरे महीने में अलग अलग दिन पेट्रोल के दाम रहे, तो हम एक नंबर बोलते हैं कि औसतन ये रहा है। इसका मतलब है कि वो एक सेंट्रल नंबर पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो उसका एक केंद्र बिंदु है, इसीलिए इसको सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाता है, केंद्र प्रवृत्ति की माप कहा जाता है। और किसी भी सीरीज का एवरेज निकालना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बाकी जो स्टेटिस्टिकल मेथड्स हैं, वो सब इसी पर बेस्ड होंगे।
अगर आपको डेविएशन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है और कोरिलेशन रिग्रेशन, तो इन सब में मीन का इस्तेमाल, ये जो सेंट्रल टेंडेंसी है, एवरेज आपको निकालना ही पड़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। बाकी जो स्टेटिस्टिक्स के मेथड हैं वो इसी पर बेस्ड होते हैं, इसलिए सेंट्रल टेंडेंसी बहुत ज़रूरी होता है। उसमें भी मीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसे हम माध्य कहते हैं। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल एवरेज निकालने के लिए स्टेटिस्टिक्स में माध्य का ही होता है। ये सिंपल होता है, आसान होता है, और बड़े से बड़े जो स्टेटिस्टिकल मेथड है, मतलब सीरीज है, उसको आसानी से हम समझ सकते हैं। उसमें स्टेटिस्टिकल मेथड्स ही अप्लाई कर सकते हैं और उसका एवरेज जान के बाकी मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्टेटिस्टिकल एवरेजेस, ये जो आपके सामने मीन मीडियन मोड है, इन सभी एवरेजेस की मदद से हम दो या दो से ज़्यादा सीरीज को हम कंपेयर कर सकते हैं आसानी से। एक सीरीज का एवरेज निकल के आया, कुछ मान लीजिए कि एक्स कोई नंबर निकल के आया, फिर वाई सीरीज का भी कोई नंबर निकल के आया, तो दोनों को कंपैरिजन करना आसान होगा, उनको रिप्रेजेंट करना आसान होगा। इसीलिए सेंट्रल टेंडेंसी बहुत ज़रूरी है। नाम से स्पष्ट है, सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, इसके कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी सीरीज के, वो सेंट्रल टेंडेंसी मीन मीडियन मोड निकालने के बाद ही हमें पता लग जाते हैं। देयर इज सब्सटेंशियल सपोर्ट फ्रॉम स्टेटिस्टिकल एवरेजेस इन डिटरमाइनिंग फ्यूचर प्लान एंड पॉलिसीज, ना सिर्फ स्टेटिस्टिक्स में, डेमोग्राफी में, रीजनल प्लानिंग में, अलग अलग तरीकों से इनका इस्तेमाल होता है। जो हम सेंट्रल टेंडेंसी से कैलकुलेट करते हैं, फ्यूचर प्लान्स बनाने में, तैयार प्लान पॉलिसीज बनाने में, मान लीजिए हमें पॉपुलेशन से रिलेटेड कोई पॉलिसी बनानी है, हमें रीजनल प्लान तैयार करना है, तो पहले हमें एवरेज मालूम होना चाहिए कि औसतन हमारा कितना बजट होना चाहिए किसी पॉलिसी को लेकर। ठीक, तो अलग अलग क्षेत्रों में इनका इस्तेमाल है ही। ठीक, अब हम इन चार मेथड में से, आपको पहले ही पता है कि हम सेंट्रल टेंडेंसी की बात कर रहे हैं, ये तीनों जो मेथड्स हैं इन्हें हम बाद में सीखेंगे, पहले हम इसे सीखेंगे, बाद में मतलब इसके बाद। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं। अब एवरेज यहाँ पर तीन तरीकों से निकाल सकते हैं। एक तो मीन होता है, जिसे हम मैथमेटिकल एवरेज बोलते हैं। एक स्पाशियल और लोकेशनल एवरेज कहलाता है, जिसे हम मोड और मीडियन कहते हैं। माध्य या फिर मीन को क्या कहते हैं, ये मैथमेटिकल एवरेज है, गणितीय औसत है। और स्पाशियल या लोकेशनल एवरेज कहते हैं मोड को और मीडियन को। मोड माने बहुलक और मीडियन में माध्य का। ठीक है, अब इन तीनों में भी, मीन मीडियन मोड, इन तीनों में भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मीन, जिससे सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं। स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन पूछे जाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी मीन ही है। अभी तक आप अगर क्वेश्चन पेपर उठा के देखो तो या तो मीन से सवाल पूछा गया ज़्यादातर, और इस दो तीन बार से मोड से भी सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, मीडियन से अभी तक सवाल नहीं मिला है, पूछा जाएगा आगे, ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो पहले हम मीन सीखेंगे, फिर मीडियन, और फिर उसके बाद मोड। अब ये जो मीन है, मीन भी चार प्रकार का होता है। एक होता है अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और क्वाड्रेटिक मीन। इसको हिंदी में भी लिखा है। मीन को हम सबसे पहला, एक इसका होता है समानांतर माध्य, यानी कि अरिथमेटिक मीन जिसको बोलते हैं, गुणोत्तर माध्य जियोमेट्रिक मीन जिसे बोलते हैं, हरात्मक माध्य हार्मोनिक मीन जिसे बोलते हैं, द्विघाती माध्य क्वाड्रेटिक मीन जिसे बोलते हैं। अब आप कहेंगे ये सब तो हमने सुने नहीं, हम तो सिर्फ एक कैलकुलेट करना चाहते हैं कि पदों का योग बटे पदों की संख्या, इस तरीके से जितने टोटल एक्स की मान लीजिए 2, 4, 6, 8 इस तरीके से, इन सबको जोड़ा, 2 और 4 6 हो गया, 6 6 12 और 8 20 हो गया, और 20 को हमने 4 से डिवाइड कर दिया क्योंकि 4 टोटल ये नंबर है, तो 4 5 20 5 इसका x̅ आ गया। x̅ माने मीन, हम तो यही जानते हैं। बाकी ये सब क्या है मैं आपको बता दूंगा, चिंता मत कीजिए। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इन चारों, ये चारों के चार मीन के ही प्रकार हैं। एग्जाम में 4 क्वेश्चन दे देगा आपको, ये मतलब एक क्वेश्चन देगा कि इनमें से कौन सा मीन का प्रकार नहीं है। लिखा होगा अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योग्राफिक मीन, क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या ज्योग्राफिक या भौगोलिक माध्य कोई है इनमें से? वो ज्योमेट्रिक मीन है, भौगोलिक माध्य नहीं है, तो आप इसको एलिमिनेट कर देंगे। या क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा अरिथमेटिक मीन है,
तो तीन कुछ और लिखे होंगे, एक इनमें से ही लिखा होगा। पहला सबसे इजी सवाल तो ये पूछ सकता है। दूसरा, अरिथमेटिक मीन से तो कैलकुलेशन के सवाल आते हैं, इन चारों में भी सबसे इम्पोर्टेंट अरिथमेटिक मीन है। अरिथमेटिक मीन से ही या समानांतर माध्य से ही सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन के सवाल आते हैं पूरे स्टेटिस्टिक्स में। लेकिन बाकी ये जो तीन मीन है, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, क्वाड्रेटिक मीन, इनका बेसिक आपको नेचर पता होना चाहिए, ये है क्या, ठीक है, इनका फॉर्मूला पता हो, इनका नेचर पता हो, बस उससे सवाल आपका बन जाएगा। कभी अगर ऐसा हो कि अरिथमेटिक मीन, क्वाड्रेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन दे दिया, इनके शॉर्ट डेफिनेशन दे दी इस तरफ, तो आपको मैच करना भी आना चाहिए, इस तरीके का सवाल भी पूछ सकता है। तो एक एक करके हम इनको देखेंगे, समझ रहे हैं मैम? अब मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूँ आगे बढ़ने से पहले। आप चाहे अरिथमेटिक मीन में कोई सा भी अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कीजिए, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, क्वाड्रेटिक मीन, मतलब मीन, मीडियन, मोड, इन तीनों में अगर आपको कैलकुलेशन करना है, एवरेज निकालना है, तो हम तीनों सीरीज में निकाल सकते हैं, इंडिविजुअल सीरीज में भी, डिस्क्रीट सीरीज में भी, कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी, ठीक है? मतलब अगर आपको अरिथमेटिक मीन निकालना है तो उसकी एक एक्स की इंडिविजुअल सीरीज भी हो सकती है, जो मैं बार बार आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। इसी अरिथमेटिक मीन को निकालने में हमारे पास कोई डिस्क्रीट सीरीज भी हो सकती है, 2.4, 5.6, है ना, 9.8, इस तरीके से। और इसी अरिथमेटिक मीन को जब हम निकालेंगे तो हमारे पास कंटिन्यूस सीरीज भी हो सकती है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? हो सकता है कि हम किसी दूरी का, लंबाई का, मार्क्स का हम एवरेज निकाल रहे हो, तो हमारे पास वहाँ पर डेसिमल में नंबर हो सकता है। हो सकता है कि हमारे पास जो डाटा आ रहा है वो इंडिविजुअल फॉर्म में हो, या फिर वो एक इंटरवल पे हो, क्लास इंटरवल पे। तो जाहिर सी बात है, चाहे आप मीन, मीडियन, मोड कुछ भी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज में उस मेथड को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो सवाल पूछे हैं, इंडिविजुअल सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज से ही सवाल पूछते हैं। सबका तरीका एक ही होता है, बस मैंने आपको बता दिया कि इन दो से सवाल पूछा है। अगर डिस्क्रीट में भी आ जाएगा तो कुछ नहीं होगा, आपको बस पॉइंट्स में कैलकुलेशन करनी होगी, मेथड सबका एक ही रहता है, ठीक है? तो तीनों सीरीज में हम किसी भी मेथड को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा इनको कैलकुलेट करने के जो तरीके हैं, मेथड्स, हमारे पास दो होते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड, या शॉर्टकट मेथड आप इसको कह सकते हैं। डायरेक्ट मेथड जो होता है, प्रत्यक्ष विधि, ये आसान होती है, आपको बस इसी को सीखना है, डायरेक्ट मेथड को। ऐसा क्यों? एक शॉर्टकट मेथड भी तो है। शॉर्टकट मेथड में आप अज्यूम करते हैं मीन को, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, मतलब शॉर्टकट लिखा है लेकिन जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये इसकी तुलना में थोड़ा ज़्यादा पेचीदा है। इस वजह से मैंने आपसे कहा कि शॉर्टकट मेथड के अलावा हम डायरेक्ट मेथड को सीखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में मेथड बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपको इसी मेथड से कैलकुलेट करके बताना है। जैसे जब आप आंसर लिखते होंगे, मैथ का आपने पेपर दिया होगा हाई स्कूल में या ट्वेल्थ में, आपके पास रही होगी, तो वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आंसर लिखना होता था, करेक्ट? और वहाँ आपको एग्जैक्टली क्वेश्चन में लिखा था कि आपको इस मेथड से ही कैलकुलेट करके दिखाना है। लेकिन यहाँ एग्जाम में हमें ये नहीं दिखाना है, हमें बस उसका आंसर निकालना है। अब चाहे कोई कोई सा भी मेथड आप अप्लाई कीजिए, आंसर तो एक ही निकलेगा। तो जाहिर सी बात है, हम अलग अलग मेथड्स को सीखने के चक्कर में क्यों पड़े? जब हमारा किसी भी मेथड से काम बन जाएगा और आसान मेथड हमारे पास ये है, तो हमें तो बस आंसर ही निकालना है। आप बात समझ रहे हैं? तो मैंने लेकिन फिर भी बता दिया है कि जो डायरेक्ट मेथड होता है मीन को कैलकुलेट करने का, अब हम सबसे पहले इसको देखेंगे, अरिथमेटिक मीन, वो होगा पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी कि आप इसे कह सकते हैं एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन। एक्स बार क्या है? मीन को स्टेटिस्टिक्स की भाषा में हम एक्स बार लिखते हैं, इसके ऊपर ये जो लाइन खींची है इसे हम कहते हैं एक्स बार इज इक्वल टू, यह है सिग्मा, ग्रीक लेटर है सिग्मा, और एक्स डिवाइडेड बाय एन। इसका क्या मतलब है? एक्स बार का मतलब जहां पर भी देखिए सिग्मा लिखा है, ध्यान से समझ, जहां कहीं भी ये सिग्मा लगा है किसी लेटर के आगे, उसका मतलब होता है कि उस लेटर के जितने भी नंबर्स हैं उन सबको जोड़ना है। जैसे ये एक्स की सीरीज है तो एक्स को टोटल करना है, 2, 4, 6, 6, 6, 12, 12 और 8, 20, इसके आगे क्योंकि सिग्मा लगा था, मतलब हमें जोड़ना है इसको, 20।
डिवाइड करना है नंबर से, टोटल नंबर से। टोटल नंबर यानी कि इसकी जो टोटल संख्याएं हैं कितनी है इसमें, 1, 2, 3, 4। अब डिवाइड कर दो, 4 × 5 = 20, मतलब एक्स बार आया 20, सॉरी 4, नहीं नहीं 5, ठीक है। यानी कि इस पूरी सीरीज का जो एवरेज होगा या औसत, जिसे हम यहाँ पर अरिथमेटिक मीन बोल रहे हैं, वो 5 है। क्या ये बात आप सभी को समझ में आई? ये अरिथमेटिक मीन है, जो सबसे सिंपल होता है, जो एग्जाम में आता है, वो अरिथमेटिक मीन होता है। क्या ये बात आप सभी समझ गए या नहीं समझे अभी बताइए, क्लियर है बात? ये आपका डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड से जल्दी से हमारा आंसर आ जाता है। एक शॉर्टकट मेथड भी होता है, इसमें हमें मीन को या माध्य को अज्यूम करना है, इसे अज्यूम्ड मीन या कल्पित माध्य के द्वारा हम गणना करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। अज्यूम्ड मीन या कल्पित माध्य, वो हमें नहीं देखना है, ठीक। एक और चीज यहाँ पर लिखी है, जो स्टेटिस्टिकल मतलब जो एवरेज अरिथमेटिक मीन होता है, अरिथमेटिक मीन का ट्रू मैथमेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? ये आपसे बार बार एग्जाम में सवाल पूछा होगा, आपने 2-3 बार देखा होगा ये, तो वो क्या है ट्रू मैथमेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसे समझिए आप। जैसे देखिए, ट्रू मैथमेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा x − x̅ = 0 होता है। लिखा होगा इस प्रकार से, कहीं पर आपको मिनिमम भी लिखा मिलेगा, कहीं पर जीरो लिखा मिलेगा, आंसर ये होता है। ये क्या है? ये अरिथमेटिक मीन का ट्रू मैथमेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैसे, समझिए आप इस बात को। मान लीजिए कि ये x की कोई सीरीज है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इससे आप भूल जाइए, आपको बस ये याद रखना है कि ये x की सीरीज है। इसमें एक नंबर है 12, 10, 6, 8, 4। फॉर्मूला हमेशा जब भी कैलकुलेट करें लिख लीजिए, उसी से आपको याद होगा फॉर्मूला। फॉर्मूला जब तक याद नहीं होगा आप उस सवाल को सॉल्व नहीं कर पाओगे। स्टैटिस्टिक्स में आपको फॉर्मूला याद रखना सबसे ज़रूरी है, उसके लिए बार बार सवाल सॉल्व करते हुए लिखिए, x̅ = σx/n। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले x − x̅ करना है ना, तो x का जो एवरेज है x̅ हमें वो निकालना पड़ेगा। यानी कि एक x तो इसमें है हमारे पास, लेकिन जो x̅ है ये हमारे पास नहीं है, और x̅ का मतलब होता है एवरेज। इस एवरेज को निकालें पहले, कैसे, 12 और 10 22 और 22 और 8, 30 और 6 और 10, कितने हो गए, 40 हो गए। 12 और 10 22 30 और 6 और 4 10 40 हो गए। हाँ, कितने टोटल हैं, 1, 2, 3, 4, 5। 40 को आप 5 से डिवाइड कर, मतलब 40 को आप 5 से डिवाइड कर देंगे, 8 × 40 होता है, तो 8 इसका x̅ आ चुका है। तो x̅ = 8, ये क्या है, इसका एवरेज है। यहाँ लिखा है x − x̅, क्या लिखा है, x − x̅। यानी कि जो x है, हर एक इंडिविजुअल x को जो x̅ हमारा निकल के आया है 8, इससे माइनस करेंगे। तो देखिए क्या होता है, 12 को 8 से माइनस करा, प्लस का 4 आएगा, क्योंकि इधर बड़ा 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 नंबर है। 10 को 8 से माइनस करेंगे, 2 आएगा। 6 को 8 से माइनस करेंगे, -2 आएगा। क्यों? क्योंकि 6 इस तरफ छोटा है, ये बड़ा नंबर है, तो माइनस का 2 है। 8 को 8 से माइनस करा 0, 4 को 8 से माइनस करा, माइनस का 4 है। तो आप प्लस प्लस के एक साइड कर दो, माइनस माइनस के एक साइड कर दो, 4 + 2, और इस तरफ माइनस का 2 है और एक यही माइनस का 4 है। तो ये भी 6 है, ये दोनों भी 6 है, प्लस के भी 6, माइनस के भी 6, दोनों का अगर आप जोड़ेंगे तो 0 आएगा। और ये सिर्फ इसी क्वेश्चन में नहीं, आप किसी भी क्वेश्चन में ये कैलकुलेशन करेंगे, x − x̅ करेंगे, तो हमेशा 0 ही आएगा, और इसे हम कहते हैं ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीन, ठीक है। ये क्या है, ये एल्जेब्रिक सम है, यानी कि बीज गणित योग है। बीज गणित योग का क्या मतलब होता है, एल्जेब्रिक सम या बीज गणित योग का मतलब होता है कि जहाँ पर हम प्लस प्लस के एक तरफ कर देते हैं, माइनस माइनस के वैल्यूज एक तरफ कर देते हैं, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 0, ठीक। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है कि इस क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ x की वैल्यू थी, 12, 10, 6, 8, 4, सिर्फ हमारे पास x की वैल्यू, f या फ्रिक्वेंसी नहीं है।
अगर फ्रीक्वेंसी इस सवाल में दी गई होती तो एल्जेब्रिक सम जीरो नहीं होता। जब सिर्फ एक्स की वैल्यू दी गई होती है तभी जाके एल्जेब्रिक सम जीरो होता है, और उस केस में हम कहते हैं कि एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू जीरो होता है, जो कि ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स होगा किसी भी सवाल का या किसी भी सीरीज का, मीन के सीरीज का। ठीक, क्या ये बात आप सभी को समझ में आ चुकी है या नहीं, बताइए फटाफट से। और जब x माइनस एक्स बार स्क्वायर लिखा हो क्वेश्चन में, जब लिखा हो x माइनस एक्स बार स्क्वायर, तो वो मिनिमम होगा। मान लीजिए जीरो नहीं दिया है तो फिर वो मिनिमम होगा, जब स्क्वायर लिखा है ना, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो ये जीरो सॉरी मिनिमम है। ये आगे आप सीखेंगे। क्या ये बात क्लियर है सभी को, बताइए जल्दी से, क्या यहां तक समझ में आ गया, कोई समस्या? अब आगे बढ़ते हैं। यही चीज देखिए यहां पर समझाई गई है। अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या है, जो सिंपल सबसे, इसको हिंदी में समानांतर माध्य बोलते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा पॉपुलर यही मीन है, अरिथमेटिक मीन। जो आम हम कैलकुलेशन करते हैं एवरेज निकालने के लिए, वो अरिथमेटिक मीन ही होता है। हम एवरेज निकालने के लिए कभी भी ज्योमेट्रिक, क्वाड्रेटिक या हार्मोनिक मीन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम सिंपल अरिथमेटिक मीन का ही इस्तेमाल करते हैं। सबसे आसान भी है, सबसे पॉपुलर इसीलिए है। इसमें हम क्या करते हैं, सम ऑफ टोटल वैल्यूज करते हैं और टोटल नंबर्स से उसे डिवाइड कर देते हैं। सम ऑफ टोटल वैल्यू मतलब जितनी भी सीरीज हैं उनको जोड़ना है, प्लस करना है। टोटल नंबर कितने हैं, मतलब कितनी संख्याएं हैं, चार पाँच हैं, छः हैं, उसे डिवाइड कर देना है, तो निकल के आएगा एक्स बार। एक्स बार माने, आज पहला है ये कैलकुलेशन वाला लेक्चर, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक्स बार माने मीन होता है। मैं आगे बार बार इस चीज़ को नहीं बोलूंगा, ध्यान रखना। मैं बार बार अब मीन जब बोलूंगा, अरिथमेटिक मीन, तो एक्स बार ही कहा जाएगा। एक्स बार इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार, क्या हो गया, जीरो हो जाएगा। या फिर अरिथमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। ये डायरेक्ट मेथड से, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है। अब मैंने इसमें एक्स बार का, इसका मतलब है कि अरिथमेटिक मीन, ठीक, इन्हीं के ही तरीके यहाँ पर दिए गए हैं। ये डायरेक्ट मेथड के तरीके हैं, आप हिंदी भूल जाइए, जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो ध्यान रखिए, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं। और ये आपका शॉर्टकट मेथड है, जितने इस तरफ लिखे हैं। ये आपकी इंडिविजुअल सीरीज में निकालने का तरीका है, ये आपके डिस्क्रीट सीरीज में निकालने के तरीके हैं, और ये आपकी कंटिन्यूस सीरीज में निकालने के तरीके हैं। इंडिविजुअल सीरीज में आपको डायरेक्ट मेथड ही याद रखने हैं, ये वाला मेथड। डिस्क्रीट सीरीज का भी ये मेथड है, कंटिन्यूस सीरीज का सेम मेथड है। अब ये जहाँ, अभी देखिए, अभी जो हमने कैलकुलेशन किया है वहाँ फ्रिक्वेंसी नहीं दी थी, सिर्फ एक्स की वैल्यू थी, लेकिन एग्जाम में सवाल एक्स और एफ, एक्स की वैल्यू भी दी गई होगी और उसकी फ्रिक्वेंसी भी दी गई होगी। जैसे इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है, मान लीजिए कि ये सभी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिनके मार्क्स आए हैं, हिंदी में कुछ मार्क्स आए होंगे, इंग्लिश में, ज्योग्राफी में, अलग अलग सब्जेक्ट्स में, लेकिन ये तो एक्स की वैल्यूज़ हैं, हिंदी में ये मार्क्स, इंग्लिश में ये मार्क्स, ज्योग्राफी में ये मार्क्स, पॉलिटिकल साइंस में ये मार्क्स, लेकिन ज्योग्राफी में कितने बच्चों के मार्क्स सेम हैं, वो फ्रिक्वेंसी है। 100 में से 50 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, तो वो कितने जो हम कह रहे हैं वो फ्रिक्वेंसी है। तो जब एक्स और एफ दिया गया होता है, इसका मतलब है कि ये एक तो हमारे पास डाटा है और उस डाटा की फ्रिक्वेंसी है। तो अभी हद तक हमने जो इंडिविजुअल मेथड में देखा था, वहाँ सिर्फ हमारे पास एक्स की वैल्यू थी, एफ नहीं था, फ्रिक्वेंसी नहीं थी। जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है तो मेथड होता है ये, सिग्मा एफ एक्स, मतलब फ्रीक्वेंसी और एक्स की वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड करते हैं एन से, कभी कभी एफ से भी। अभी हम देखेंगे उसको, जब सवाल देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड याद नहीं रखना है, ये फॉर्मूले याद रखिएगा। इसमें भी दो ही फार्मूले हैं बस, एक तो ये इंडिविजुअल सीरीज का फार्मूला है, और जब फ्रीक्वेंसी दिया हो तो उसका फॉर्मूला ये है, सिंपल, ठीक है, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन,
एक्स बार, ठीक, यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला है। अभी ध्यान रखना है, कभी कभी एन की जगह सिग्मा एफ लिखा हो सकता है, इस तरीके से भी कैलकुलेट, वो सवाल के हिसाब से भी हम देखेंगे कहाँ पर किसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है। क्या बात आप सभी को समझ में आ रही है या नहीं, बताइए, क्या आप सभी को बात समझ में आ गई कि अभी तक मैंने आपसे क्या कहा? बताइए, क्लियर? हाँ, बारंबारता फ्रीक्वेंसी ही होती है, बिल्कुल, या आप उसे आवृत्ति भी कह सकते हैं। साधारण भाषा में समझ जाए, कितना रिपीट हो रहा है कोई वैल्यू, कोई टर्म कितना रिपीट होता है, उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब इनके एग्जाम्पल आप देखिए, ये तो केवल सीरियल है, ए बी सी डी, इस तरीके से ये एक्स की वैल्यू है। जब सिर्फ एक्स की वैल्यू दी गई हो तो हम डायरेक्ट मेथड में एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन ये करेंगे। एक्स बार हमारे पास ये है, सिग्मा लगा है आगे, इसका मतलब है टोटल कर देंगे इन सब का। तो हमने जब इन सबको टोटल किया यानी एक्स बार किया, हमारे पास 9140 आया। अब इस 9140 को हम क्या करेंगे, एन से डिवाइड कर देंगे। एन मतलब टोटल नंबर कितना है, 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से डिवाइड कर देंगे। आंसर 0 से 0 कट हो गया, सिंपल सा आंसर 914 है। मतलब इस पूरी सीरीज में एक्स बार यानी कि एवरेज कितना है, 914, ये एवरेज है। अब देखिए एवरेज से कुछ कम भी है और कुछ ज़्यादा भी, लेकिन एवरेज संख्या ये है। जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी दिया हो, एक्स की वैल्यू है और फ्रीक्वेंसी भी है, तब हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स और एफ को गुणा करेंगे, 62.5 को 50 से गुणा करेंगे, एफ एक्स निकल के आएगा। जब हमारे पास एक्स और एफ की वैल्यू दी गई होती है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब एक्स और एफ की वैल्यू दी गई होती है तो हमें एफ एक्स निकालना होता है, सिग्मा एफ एक्स निकालना होता है। सिग्मा एफ एक्स का मतलब क्या है, पहले तो आप एफ एक्स निकाल दीजिए, गुणा करना है, मतलब जब दो वैल्यूज के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुणा है। 62.5 गुणा 50 ये संख्या आ जाएगी, बड़ी संख्या है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर लगाया है। 63.5 गुणा 30 ये संख्या आ जाएगी, 64.5 गुणा 25, इस तरीके से करते करते इन सब का एक्स और एफ की गुणा करते करते हमारे पास ये संख्या आ जाएगी। अब लिखा है सिग्मा एफ एक्स, एफ और एक्स को मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो संख्या प्राप्त हुई है उनको सिग्मा करना है, मतलब जोड़ना है। तो इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे, जोड़कर हमारे पास ये संख्या आ गई। अब एन, एन की जगह पे यहाँ पे जो ये सिंपल एन लिखा है ना, तो इसमें 1 2 3 4 इस तरीके से नहीं करना है, इन सबको जोड़ देना है। जब फ्रीक्वेंसी दी गई होती है तो वहाँ पर फ्रीक्वेंसी का भी सिग्मा करना होता है, जोड़ना होता है। फ्रीक्वेंसी को जोड़ दिया, 200 आ गया, ठीक है, तो 200 आ गया। अब 200 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 65.5 आ गया। 65.5 इसका क्या है, सॉरी 65.20 है, तो इसका एक्स बार है, एक्स बार इज इक्वल टू 65.20। ज़रूरी होता है ये? नहीं, ज़रूरी थोड़ी ना है, डाटा आपके पास इंडिविजुअल सीरीज में भी हो सकता है, ज़्यादातर सवाल इंडिविजुअल सीरीज का ही होता है, कंटिन्यूस सीरीज में भी हो सकता है, 10 से 20, 20 से 30, और डिस्क्रीट सीरीज में भी हो सकता है, ये डिस्क्रीट सीरीज का डाटा है, करेक्ट, बात समझे। अब ये देखिए, ये कंटिन्यूस सीरीज का डाटा है, इसमें एक चीज़ समझने वाली बात है, क्या है वो, जब आपके पास कंटिन्यूस सीरीज दिया है सवाल, जैसे देखिए ये वाला सवाल था, ये तो क्लास इंटरवल है और ये फ्रीक्वेंसी है। अब आप कहेंगे कि जब क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी दिया है, तो फ्रीक्वेंसी में हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा इज इक्वल टू सॉरी एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, आप इसको लिख लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, सिग्मा एफ। अब यहाँ पर हमारे पास एफ तो है लेकिन एक्स नहीं है, क्लास इंटरवल है ये, तो ये एक्स नहीं होता है, तब आप क्या करेंगे,
तब हमें एक्स कैलकुलेट करना होता है। एक्स कैलकुलेट कैसे करेंगे? इस फॉर्मूले में लगाने के लिए एन की जगह आप सिग्मा एफ कर दीजिए। इन दोनों नंबर्स को जोड़ना है, दो से डिवाइड कर देना है। दोनों नंबर को जोड़ना है, दो से डिवाइड, दोनों को जोड़िए, दो से डिवाइड, दोनों को जोड़िए, दो से डिवाइड। इस तरीके से करके एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। 10 में 2 से डिवाइड किया 5, 10 और 20 30 का आधा, मतलब 2 से डिवाइड किया 15, 20 30 50 का आधा 25, 30 40 70 का आधा 35, 40 50 90 का आधा 45। अब ये x की वैल्यू है, ये f की वैल्यू है। अब कैलकुलेशन होगी। अब ये फॉर्मूला काम करेगा, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। दोनों को गुणा कर दीजिए, 40 पंजे 200, 15 को 30 से किया गुणा 450, 25 35 875, 35 25 875, 45 20 900, ये निकल गया। सिग्मा एफ एक्स करेंगे मतलब इनको जोड़ देंगे। तो हमने क्या किया, सिग्मा एफ एक्स हमारे पास आ गया है 3300। डिवाइड करना है इसको सिग्मा एफ से, मतलब ये फ्रीक्वेंसी, इसको जोड़ देंगे। इन सबको जब जोड़ा, टोटल किया है, नंबर काउंट नहीं किए हैं, टोटल किया है 150 आया है। 150 से अगर डिवाइड कर देंगे 3300 को, 22 आ जाएगा। मतलब इस कॉन्टिन्यूस सीरीज का जो एक्स बार है या मीन 22 है। क्या ये बात आप सभी को समझ में आई? बताइए। अब ये सवाल देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है। आपको क्लास इंटरवल का डाटा दिया है, अरिथमेटिक मीन निकालना है, लिखा है यहाँ पर देखिए। एक्चुअल में सवाल ऊपर नहीं है, सवाल नीचे है कि आपको मीन कैलकुलेट करना है, मीडियन या मोड। तो मीन कैलकुलेट करना है। अब फ्रीक्वेंसी दी है ना, नंबर ऑफ डेज का मतलब फ्रीक्वेंसी है ये। तो जब आपको फ्रीक्वेंसी दी है, आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स कैलकुलेट करेंगे, और सिग्मा एफ। अब आप इसको कैलकुलेट करके बताइए, पेन पेपर में कैलकुलेट कर देना, फिर आंसर बताना कि क्या होगा इनमें से। जल्दी से फॉर्मूला मैंने लिख दिया है यहाँ पर, अब आपको सिर्फ जोड़ घटाना करना है। सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी है, x और f को मल्टीप्लाई करना है, टोटल करना है, और टोटल फ्रीक्वेंसी जोड़ करके और जो एफ एक्स आया है उसे डिवाइड कर देना है। बताइए फटाफट क्या होगा इसका आंसर। देखते हैं किस किस को समझ में आ चुका है। क्लियर है तो ये बताइए फटाफट फिर इसका कि आंसर क्या है। थोड़ा टाइम दिया जाएगा आपको, उसके बाद फिर इसका आंसर हम कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पर स्क्रीन में कैसे होगा, और आप जल्द से जल्द इसकी कैसे कैलकुलेशन करेंगे एग्ज़ाम में। स्टैटिस्टिक्स सॉल्व करते हुए पेन पेपर लेके बैठना, सबसे पहले आंसर आ चुका है 25। ओके, बाकी सभी बताइए। जो कैलकुलेट नहीं करेगा क्लास के बीच में, और बाद में रिकॉर्डिंग भी देखते देखते कैलकुलेट नहीं करेगा, तो देखना एग्ज़ाम में भी आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए इस प्रेशर में ही आपको कैलकुलेशन करनी है। चलिए देखिए, अब यहाँ पर क्या है, ये क्लास इंटरवल है, ठीक। एक्स की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, कितना आएगा? 10 और 20 को जोड़ेंगे 30 होगा, आधा 15, 20 30 50 का आधा 25, 30 40 70 का आधा 35। अब हम एफ एक्स कर देंगे, एफ एक्स निकाल देंगे इसका। 15 छके 90, 25 गुना 50 यानी 500, 35 पंजे कितना होगा, 5 पंजे 25 का 5, हासिल लगा 2, 5 से 15 16 17 175,
क्या लिखा है, सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स अगर हम करें यानी कि टोटल जोड़ दें, 0 0 ये आएगा 5, यहाँ पर 9 और 7 कितना होता है, 16, एक बचा 5 6 और 1 7, 765 यही आ रहा है, 765, 5 9 7 16, 5 6 और 1 7। फ्रीक्वेंसी को भी टोटल कीजिए, सिग्मा एफ 20 25 और 6 31, 31 है। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन क्या है, जैसे देखिए 30 है, अब मतलब 31 है, 31 को आपको गुणा भागा करना मुश्किल होगा, तो आप इसको 3 मान के चलिए, अप्रोक्सीमेट ये 30 है। अब जो आंसर आएगा वो थोड़ा सा कम आएगा एक्चुअल आंसर से, देखते हैं कैसे। जैसे ये 765 है, एक्चुअल में ये 31 है एफ एक्स, मतलब जो सिग्मा एफ है, आप इसको 30 मान के चलिए, तब डिवीजन कर दीजिए, ना भी आए तो आप इस तरीके से कर दीजिए 765, ताकि गलती ना हो। 3 दूना 6, मतलब 60 हो गया, 1 6 और 5 3 5 15, 150। आगे आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहीं पर आपका आंसर आ चुका है, आगे पॉइंट्स में मत निकालिए, सिंपल 25 आंसर है। बात समझ में आई? अगर आप डायरेक्टली इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, अच्छी बात है। नहीं कर सकते हैं, मैथ्स बहुत पहले छूट गई थी हाई स्कूल में ही, कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से कीजिए। इसका जो एक्स बार निकल के आया है कितना है, 25, ये इसका आंसर है। सभी को समझ में आ गया? इसी तरीके के सवाल आपको एग्जाम में मिलेंगे, और भी पूछे गए हैं जो कि, ठीक है। ओके, अब देखिए एक सवाल ये है, ये जो सवाल है ये भी मीन का ही है, जिसमें एक्स की सीरीज दी है, 6 इंटीजर्स हैं, एक्स आई उसमें से मिसिंग है, ठीक है। ये समझ में आ गया आप सभी को? ठीक है, ओके, वेरी गुड। इसका भी कैलकुलेशन इधर लिखा है, पहले थोड़ा सा और देख लेते हैं कि यूजेस ऑफ अरिथमेटिक मीन, क्या अरिथमेटिक मीन का क्या यूजेस है। कैलकुलेशन में आसान है, और कैलकुलेशन में एक तो आसान है, और सबसे पहली अच्छी बात यह है कि ये निश्चयात्मक होता है, डिटर्मिनिस्टिक होता है, मतलब एग्जैक्टली इसका जो आंसर है, जो हमारे पास डाटा अवेलेबल है उसके बेसिस पर ही होगा, किसी भी अनुमान का, किसी भी प्रिजम्पशन का इसमें इस्तेमाल नहीं होता है। जाहिर सी बात है, इसमें एल्जेब्रिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सबसे अच्छी बातें हैं, मतलब प्लस प्लस के एक साइड, माइनस माइनस के एक साइड, ऐसा नहीं है कि माइनस को भी प्लस ही मान लिया जाएगा, जैसा आगे आने वाले कुछ कैलकुलेशन में होगा, तो वो होता है। इसमें बीजगणितीय जो योग होते हैं या चिन्ह होते हैं उनका ध्यान रखा जाता है, जो कि आगे डिस्पर्शन में, स्किवनेस में, कोरिलेशन में हेल्प करता है इनको कैलकुलेट करने में। एक आम इंसान भी अपने दैनिक दिनचर्या में एवरेज निकालने के लिए ये इस्तेमाल करता है, तो ये इतना पॉपुलर है, इतना आसान है, इजीली अंडरस्टैंडेबल है, ये यूजेस हैं अरिथमेटिक मीन के, समझे आप बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा एक ये सवाल है, इसका कैलकुलेशन ये थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन है, और आप चाहें तो इसको कैलकुलेशन बेस्ड सीरीज में देख सकते हैं। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे ये सीरीज़ पूरी होती है, आपको कैलकुलेशन बेस्ड सीरीज़ के जो 5 लेक्चर हैं वो कंप्लीट करने हैं, कैलकुलेशन बेस्ड सीरीज़ के 5 लेक्चर सभी को कंप्लीट करने हैं, और इसके अलावा जो 6 घंटे की मास्टर वीडियो है यूनिट 9 की, वो कंप्लीट करनी है, क्योंकि ये पूरे लेक्चर को डिटेल में देखने के बाद एक बार आप उसे मास्टर वीडियो से रिवाइज कर लेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। कैलकुलेशन क्वेश्चंस की सीरीज़ देख लेंगे 5 लेक्चर की, बहुत अच्छा रहेगा। ये जो सवाल है ये भी वहीं पर कैलकुलेट कराया गया है, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा, और इसके अलावा बाकी जो दो तीन बचे हुए हैं, जैसे ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, और क्वाड्रेटिक मीन है, इनको हम इवनिंग की क्लास में देखेंगे, एक क्लास इवनिंग में होगी 3 PM पर स्टैटिस्टिक्स की।
31 जनवरी से पहले 27, 28, 29 जनवरी तक हम कंप्लीट कर देंगे स्टैटिस्टिक्स को। 3 PM पर स्टैटिस्टिक्स की क्लास होगी, आप सभी ज्वाइन कीजिए। ठीक, बाकी जो छोटे टॉपिक बचे हैं, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, क्वाड्रेटिक मीन, ये सब वहाँ पर कराए जाएंगे, मतलब उस क्लास में अभी ही करा देंगे। मगर अच्छा ये है कि पहले आप इसको समझ जाइए और इसको रिवाइज कर लीजिए। अभी तो आप समझ गए होंगे, लेकिन आप जब इसको नोट बनाएंगे और रिवीजन करेंगे तभी आपके आत्मसात हो जाएगा। और इसके जो फॉर्मूला मैंने बताया है उसके नंबर्स को थोड़ा सा चेंज करके खुद कैलकुलेट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में 3 PM पर, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। और जाते जाते आपको बता देते हैं कि जो रामबाण बैच है इसका ऑफ़र 31 जनवरी तक है, इसके बाद देखिए इसकी फ़ीस बढ़ जाएगी। तो फिर आप मैसेज करेंगे, परेशान होंगे, तब हमें मालूम नहीं पड़ा था, अभी मालूम है, 1 साल का बैच है, तो आप इसे फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। रिपब्लिक डे ऑफ़र है, 50% से भी ज़्यादा डिस्काउंट इसमें मिल रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू सो मच सभी को, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।